शादी करने से लेके बच्चा आते तक आपको घूमना है, तो कैसे घूमेंगे देखिएगा। आपको अगर यदि सूडान देश के निवासी हैं तो आप एक वीज़ा में दुनिया के तमाम मज़ा नहीं ले सकते, लेकिन भारत एक ऐसा देश है, ग्लोब में ऐसा जगह बना है जो आपसे बढ़ के दूसरा नसीब वाला मुझे दिखा ही नहीं। एक ऑस्ट्रेलिया दिखता है और एक कोना है आपका भारत। आपको अगर यदि जीवन में अगर यदि इच्छा हो गई कि हम ना कुआं में नहा नहा के थक गए, तरिया में नहा नहा के थक गए, काबर तरिया में भैंसा मन भी नहा देते, अपने को शार्क मछली के साथ नहाना है, अगर खोरवारी ने इच्छा पैदा अगर करती है तो आप शानदार छत्तीसगढ़ से निकल जाइए। कहाँ आपका? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आप बंगाल खड़ी तरफ मत जाना, नहीं तो नहा के नहीं, लेप लगा के निकलेंगे, वहाँ साबुन का लेप लग जाएगा ब्लैक वाला। तो आपको कभी भी जाना है कौन सा जाना है आपका? सह्याद्री पर्वत तरफ, यानी बोले तो आपका कहाँ? पश्चिम की दिशा। पूर्व वाले बीच में ना जाएं, किधर जाएं आपका? पश्चिम, क्योंकि इधर का बीच क्या है? क्लीन है। गोवा वाला एरिया क्या है? साफ है। इधर वाला क्या है? गंदा है, क्योंकि चिल्का झील इंडिया का सबसे गंदा झील है। यानी कि पृथ्वी के घूर्णन गति के हिसाब से तट रेखा क्या होता है? ज्वारभाटा के तहत साफ होता है। तो साफ कौन सा वाला बेल्ट रहता है? मुंबई वाला, गोवा वाला बेल्ट, केरल कोलम बीच तरफ रहता है। तो आप खुरबारीन के साथ चले जाओ, आराम से नहा के आओ, चार पाँच दिन रहा, ओल डुबका चोला गलल पकड़ ले रहा और बोरते जाओला कई बार लेट, और बहुत शौक है नहाए के समंदर में, चुबड़ूंग चुबड़ूंग नहाओ। कपड़े बड़े पहनेंगे भाई लेके, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की इज्जत का सवाल है। क्लियर है आपका? एडान के मन जाके उठपुटान टेप कपड़ो पहन लेते, हमने चिन्हाए नहीं कैसे वो समारू, ये समारिन है कौन हरे? अरे ही समारिन तो आज एक असन भागे रहे हो, ये गड़बड़ हो जाता है। तो आप कपड़े के साथ नहाओ, बढ़िया मस्त मजा हो गया। अब यहाँ घूम लिए, नहा लिए, अब खुरबारीन का क्या कहना है? बर्फ में नहाना चाहते हैं हम, बर्फ में खुश अरबो मूसवा सरी। चल वो खुरबारीन टपकाक ले पहुँच गए, कहाँ आपका तुम्हारा? जम्मू कश्मीर। इधर अगर यदि आतंकवादी से डर लगता है तो और भी ऑप्शन है, कहाँ? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला बेल्ट और नेपाल वाला बेल्ट है जितना, अरुणाचल प्रदेश आपका तुम्हारा क्या क्या नाम है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आपका, कुल्लू मनाली शिमली, और क्या नाम है आपका, अरे वो डल झील क्या बोलते हैं आपका, उलट झील आपका तुम्हारा, डलहौजी, और उधर और है देहरादून, रानीखेत, नैनीताल, एकदम ये कुछ नहीं है छत्तीसगढ़ में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, समझ आ रहा है? यानी अगर अधिक जैसे इच्छा हो गई आपको, जैसे कई लड़के लोग बच्चे लोग को देखा हूँ मैं, मतलब मैदान में बर्फ फिसलों से सब कूद देते एकदम, मुर्मी वाले पूरा छोड़ा जाते, पूरा ब्लड ही ब्लड, दांत वहाँ सब निकल जाए, वो बर्फ समझ के छलांग मार दी सो। यही अगर यदि छलांग अगर यदि उत्तराखंड में मारता वो तो वाह स्केटिंग, वाह हड्डे निकल गए खोरबारा, वाह हड्डे जाते ऐसे बर्फ में संडत रहा सारे, कोई टेंशन नहीं। तो आप खोरबारीन के साथ कहाँ नहा लिए आपका? अरे घूम लिए आपका, बर्फ बर्फ वाला इंजॉय कर लिए, दो चार ऐसे मूठा मार मार के मार फेंक फेंक जी, ऐसे मार तो का ऐसे गोल गोल बना, क्या बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में, लोंदी, हाँ बर्फ के लोंदी, या फट तले मारा थे अरे रोघा मार दे, ये चलता है कि नहीं? तो आप इंजॉय कर लिए यहाँ। अब आप खुरबारीन को कहाँ नहा दिए? समुंदर में। अब बर्फ का भी आनंद ले लिए, अब उसे कहना नहा भी डरे ना, ठंडा ये बहुत ज़्यादा हो गया एकदम, बर्फ कनकना गए मुर्दांत, किसका कहना है? खुरबारीन। चल फिर रेगिस्तान यानी राजस्थान, हवा महल दिखाऊंगा तेरे को, पंचमहल दिखाऊंगा, तो हवा में उड़ा हूँ पूरे ऊपर। उसके बाद ले जा लो कहाँ? थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान बोलते हैं बाबू लोग, राजस्थान में रेगिस्तान है जैसलमेर बीकानेर, मिर्चा कंपनी वाला नाम सुने होंगे आप, तो आप उसको थार का रेगिस्तान ले जाओ, रेगिस्तान जैसलमेर, और संदेश से आने दो, पिक्चर शूटिंग देखे हो नहीं पूरा, ओल रेटी में कांस केवल बोर दे मुड़ी कांस समेत ले झर्रा मुड़ी में कटिक रेटी टेला, बहुत आनंद आ गए जी खोरबारा, अच्छा घुमाते थे बोला। अब बोले हम समंदर में नहा लिए, अब हम बर्फ में घूम लिए, अब क्या है रेगिस्तान भी देख लिए, अब ना एकदम सब मौसम में लेके जा, जहाँ ना पानी हो ना बर्फ हो ना रेगिस्तान, तो चल पूर्वोत्तर भारत। कहाँ चले गए आपका? पूर्वोत्तर भारत। ये पूरे लोग आदिवासी बाबू लोग, लेकिन ये लोग सब के सब गोरे हैं, लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी है पर सब के सब काले हैं, तो काला होने का मतलब माँ बाप नहीं, काला होने का मतलब जलवायु, तो जलवायु के हिसाब से यहाँ के लोग क्या हो गए? गोरे हो गए, क्योंकि सब मौसम, सब मौसम मतलब समझते हो, गर्मी के दिन में ना गर्मी लगना, ठंड के दिन में ना ठंड, एकदम सम जलवायु, 20 से 25 टेम्परेचर रहेगा 12 महीना, शीत रहेगी ठंडा रहेगा, इतना बेहतरीन जलवायु है, ऑस्ट्रेलिया वाला जलवायु है। यहाँ एक आदमी एक आदिवासी अगर काला मिल जाए तो बता देना, आप पिक्चर में देखना या नागालैंड तरफ के लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में भी आते हैं यहाँ, लड़कियाँ आती हैं दो चार, परिचित हो गए धीरे धीरे, क्योंकि वो आधा सिगरेट मैं पीता हूँ उनका।
फट फट खींचते रहे दादा मेरे सामने बैठ के, साले भारी बेइज्जती, मेडिकल कॉलेज को बंद किया जाए। वो पूर्वोत्तर भारत से आए लड़के, चार पांच लड़के हैं, एकदम चिपकली गिरे वाले, चिकना ना 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 कि साले सिगरेट ला खींचाते फटा फटा लंबा वाले तुरी वन भी। मैं बोला तुम लोग हमारे कल्चर खराब कर देंगे। तो ये मेडिकल कॉलेज में देखना पूरा इंडिया लेवल के बच्चे आते हैं, इतने गोरे हैं सर, उसको ऊपर नीचे देखने की इच्छा होता है, बस हटो मत ना, जन मत हटाओ, बस नैन सुख गजब होता है, देखते रहो एकदम आनंद, आहा बड़ा गोरा है, चले आगे ये चलता है। तो भैया इधर की जितनी लड़कियां हैं, इन लड़कियों को अपहरण करते हैं, अपहरण। जब अपहरण कंटिन्यू होने लगा, और सुंदर नहीं, इतना सुंदर इंडिया में कहीं पे नहीं, जब अपहरण होने लगा, सच्चाई है सुनो, आपका जब अपहरण होने लगा तो समाज में बैठा कोई, बोले क्या किया जाए, इनकी खूबसूरती खत्म किया जाए। तो खूबसूरती कैसा होगा, ब्लेड मार दें चारों डांस चेहरा में, नहीं एसिड अटैक करो, वो भी नहीं चलेगा। यहाँ देखना, यहाँ चट्टा लोहा का ठोका होगा, यहाँ चौड़ा चौड़ा ठोक दिया नाक में, और गला भी बहुत सुंदर दिखता है, ठाता नहीं जाए, रिंग फंसा लोहा के, यार टेटका मैच का टाइप लंबा देखे होंगे, ए वो जिराफ टाइप देखना, कोई महिलाएं यहाँ पे लगा था रिंग, यहाँ नाक में चट्टे से झूला थे, और ओठ को फाड़ के लगा दी है बड़ा लकड़ी, ले जा मसान असन परेटी ने, अब अपहरण करना। तो जब भी इधर डिजाइन लगा रहे, नाक में लगे रहे, या बड़ा बड़ा, या गोदना का डिजाइन, और गले में रिंग लगा है, यानी समझ जाना यही क्या है, आपाटापी और बीच में है, यानी इन लोग की खूबसूरती को क्या किया गया है, आपका बेकार किया गया है, ताकि का अपहरण ना हो। यानी इतना सुंदरता का वजह क्या है, सब मौसम है, यानी आप जब पानी से तंग आ गए तो बिना वीजा का बर्फ में जाओ, बर्फ और पानी से तंग आ गए तो रेगिस्तान जाओ बिना वीजा का, और अगर यदि इन तीनों से परेशान हो गए तो सब मौसम नागालैंड, गोवा, आपका मनाली, क्या बोलते हैं आपको, गुवाहाटी घूम के आओ आराम से। यानी बताओ एक वीजा में एक भारत के नागरिकता के तहत आपको न जाने कितने देश का सुख प्रोवाइड करता है, कौन आपका, हिंदुस्तान, इतना अच्छा जगह है। लेकिन इन कमीने नेताओं के कारण आज हर आदमी इस देश से क्या है, परेशान है। आज 2022-23 के डाटा के अनुसार 8000 व्यक्ति जो करोड़पति है वो देश छोड़ देगा, इतना प्यारा देश को छोड़ के जाएगा, क्योंकि यहाँ के नेता लोगों को जमीनी स्तर में काम करने का कोई इंपॉर्टेंट नहीं समझते, सारा धन अपने में भर लेते हैं और कुकुट ही हम लोग को छोड़ दिए, इसलिए भारत के लोग गाली बकते हैं। मैं आज तक ऐसा एक आदमी नहीं मिला है जो बोल दे मेरा भारत बेस्ट है, वो नेता को गाली बकेगा उसके बाद भारत को अच्छा बताएगा वो। तो हमारे देश के लोग ना इस जमीन का कद्र नहीं कर पाए, इस भूभाग का कद्र नहीं कर पाए, नहीं तो एक वीजा के तहत इतना सुख एक आदमी को किसी और देश वाले को प्रोवाइड नहीं होता, लेकिन हमको मिलता है। हम लोग गरीबी कारण नहीं जा पाए वो अलग बात है, लेकिन आज जब इंडिया घूमोगे, लद्दाख तरफ जाओगे, ऐसा लगेगा मैं जन्नत में आऊँ, 100% जन्नत है सर। लेकिन इन कम्यूनों ने उसको नर्क से भी बदतर बनाया, वो महान आदमी, वो महान शख्स लोगों को हम लोग प्यार से नेता बोलते हैं।